वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेक्निकल नो फ्रेंड्स अगेन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और डीडी न्यूज की रिपोर्टिंग के बाद में यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट वीडियो। मैं आपको सभी को बता दूं कि हमारा जो गुरु कृपा कंप्यूटर क्लासेस का हम क्लासेस स्टार्ट किया था जो 1 फरवरी से, वो आज सुबह यानी कि इस वीडियो के जस्ट आज की डेट में आज सुबह के मॉर्निंग टाइम में डीडी न्यूज पे फ्लैश हुआ है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी ग्राउंड फ्लोर की रिपोर्ट में। चलिए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो वीडियो का टॉपिक जो है वो है एसबीआई के ऊपर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आप ऑनलाइन पोर्टल है वो किस प्रकार यूज कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था यहाँ पर मोबाइल से स्टेट बैंक एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, मगर आज समझेंगे कि एसबीआई की वेबसाइट पे जाके आप किस प्रकार लॉग इन कर सकते हो, कैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे मैनेज बेनिफिशियरी कर सकते हो, पूरा एसबीआई के बारे में टोटल डिटेल यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले गूगल में डालना है एसबीआई लॉगिन और कर देना है एंटर। जैसे ही एसबीआई लॉगिन क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगा इस पे कर लो क्लिक, और इसके क्लिक करते ही आपके सामने हो जाएगा इंटरफेस एसबीआई एन का ओपन, यानी कि एसबीआई का जो पोर्टल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको करना है कंटिन्यू टू लॉगिन। तो कंटिन्यू टू लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से पोर्टल चेंज हुआ नजर आएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करके अपना पासवर्ड और अकाउंट यूजर नेम दोनों बना सकते हो। बता दूं कि ये आपको एक बार अपनी शाखा से ऑनलाइन कराना पड़ता है। जब भी आपको नेट बैंकिंग करवाना है आप अपनी शाखा में जाइए, वहां पर जाके आप एक एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देते ही आपको एक किट दे दी जाएगी जो कि 5 से 6 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहां पर मैं डालता हूं अपना यूजर नेम और उसके बाद डालता हूं अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड फ्रेंड्स आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एसबीआईएन की तरफ से हाइड हो जाता है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं भैया अपना पासवर्ड और दे देता हूं एंटर, या कर लीजिए लॉगिन पे क्लिक। तो जैसे ही ये दोनों चीजें आपकी ओके हो जाएंगी तो कुछ इस प्रकार से आपका पोर्टल जो है एसबीआईएन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, सपोज दैट आपको अपना बैलेंस देखना है तो क्लिक हेयर फॉर बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं 4,490 रुपीज मेरे इस बैंक खाते में अभी क्रेडिट है। यहां पर मैं क्लिक हेयर टू 10 ट्रांजेक्शन, लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख सकता हूं यहां पर मैंने किसको पैसा ट्रांसफर किया, कहाँ से पैसा आया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रुपए एसबीआई वालों ने काटे, 10,500 यहाँ पर डेबिट हुआ। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर द मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन की यानी कि 10 ट्रांजेक्शन की देख सकते हो। अब बात करते हैं आपके ऑनलाइन बैंकिंग के इस पोर्टल में किसी को पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। तो यहां पर पेमेंट ट्रांसफर लिखा हुआ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्लिक मत करना, ऊपर लेके जाओगे कर्सर तो भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर लिखा है कि विद इन एसबीआई ट्रांसफर, यानी कि आप एसबीआई टू एसबीआई ट्रांसफर करना चाहते हैं या अदर बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोनों में से अगर आप एसबीआई में करना चाहते हैं तो आप सिंपली करेंगे एसबीआई पे क्लिक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एसबीआई क्लिक करने के बाद वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, अगर एसबीआई का पोर्टल पूरा समझना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो फ्रेंड्स यहां पर एसबीआई का पोर्टल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे अकाउंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, यानी कि अब इनमें से चाहूं तो किसी को भी क्लिक करके कभी भी पेमेंट, सिंपली यहां पर क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। यहां पर अमाउंट डालना है और सिलेक्ट पर्पज यानी कि अपना पर्पज डालना है किस पर्पज से सेंड कर रहे हैं, और नीचे कर देना है सबमिट पे ओके। तो डायरेक्टली ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आएगा जो इस बैंक खाते में मैंने दिया है उस नंबर पे, वहां से ओटीपी डालना है और वो पैसा पहुंच जाएगा सामने वाले के खाते में। अब मैं बात करता हूं यहां पर बेनिफिशियरी ऐड कैसे करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू एडेड ए न्यू इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी। याद रहे कि जब एसबीआई टू एसबीआई किसी भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए जाते हैं, एसबीआई टू एसबीआई हो या एक्सिस टू एक्सिस हो या पंजाब नेशनल बैंक टू पंजाब नेशनल बैंक हो, अगर सेम बैंक है तो उसको बोलते हैं इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी। अगर बैंक अलग है, मान लो एसबीआई से मुझे एक्सिस में ट्रांसफर करना है तो उसको बोलेंगे इंटर बैंक बेनिफिशियरी। तो यहां पर इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी यानी कि सेम एसबीआई का अकाउंट एडिट करने का ऑप्शन आया। तो यहां पर मैंने किया क्लिक, जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं
प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है। तो आपके पास एक प्रोफाइल पासवर्ड होगा जो कि आपने बनाया होगा अकाउंट क्रिएट करते समय। तो यहां पर मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड दे देता हूं, और जैसे ही मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड दूंगा, इनवैलिड आ गया, तो दोबारा ट्राई कर लेता हूं। तो यहां पर जैसे ही आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड देंगे, उसके बाद में आपको करना है सबमिट पे क्लिक। सो फ्रेंड्स, मे बी मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड ना भूल गया हूं, बिल्कुल नहीं भूला, बिल्कुल सही डाला इस बार मैंने। यहां पर आपको बस नाम डालना है, दो बार कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना है, ट्रांजेक्शन लिमिट डाल सकते हो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक डाल सकते हो, और नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन। और सबमिट कर देंगे तो नया बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, यानी कि नया अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन बेनिफिशियरी यानी कि अदर बैंक ट्रांसफर की। तो अदर बैंक ट्रांसफर पे जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, चलो दोबारा से क्लिक करते हैं, यहाँ पे अदर बैंक ट्रांसफर पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही फ्रेंड्स अदर बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आने वाला है आपके सामने, वो अदर बैंक ट्रांसफर का आएगा। यानी कि पहले इंट्रा बैंक का ट्रांसफर आया था, अब इंटर बैंक। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा IMPS, यानी कि इमीडिएट फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यही ज्यादातर आजकल चल रहा है, क्योंकि विद इन 2 मिनट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा प्रोसीज होने के बाद में ये आएगा, सेम उसी पोर्टल पे जैसे इंट्रा बैंक का पोर्टल आया था वैसे ही पोर्टल पे आएगा। तो थोड़ा सा प्रोसीजर है यहाँ पर वेट करने के लिए, करना पड़ेगा क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट स्लो है। सो पर्सन टू अकाउंट सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन को कर देते हैं ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहां पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि यहां पर अदर बैंक एडेड है। वहां पर हम गए सिर्फ SBI के ऑप्शन में, जब गए थे तो वहां पर सिर्फ SBI के ही बैंक्स थे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक थे। मगर जब यहां पर हम आते हैं अदर बैंक में, यानी कि पहले कहां गए थे हम, विद SBI ट्रांसफर, अब कहां गए, अदर बैंक ट्रांसफर। तो जैसे ही यहां पर आएंगे तो कुछ इसी प्रकार का पोर्टल ओपन होगा, जैसे आपके सामने अभी ये ऊपर हुआ है, यानी कि अदर बैंक ट्रांसफर के ऑप्शंस। अब बात करते हैं इसको ऐड कैसे करना है, तो मैं दोबारा IMPS पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जब इंटर बैंक किया तो वो वापिस ऑप्शन वहां पर लेके गया। यहाँ पर पर्सन टू अकाउंट कर लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए, ये सब के लिए आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग करवाना है, जो कि बैंक से आपको इजीली हो जाती है, यानी कि बहुत इजी है फ्रेंड्स, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत सेफ है। तो यहां पर देख सकते हैं ये इंट्रा बैंक आ गया बेनिफिशियरी, ये डबरा, भितरवार, ये सब अलग अलग बैंक के यहाँ पर ऐड है, एक्सिस, ICICI, सेंट्रल बैंक। तो इसको ऐड कैसे करना है, सेम प्रोसीजर है, क्लिक हेयर टू एड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक कर सकते हैं नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, और फिर आप उस खाते में कभी भी कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां भी प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी SBI के पोर्टल से रिलेटेड। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई इश्यू हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर SBI रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, या आए हो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा जिस प्रकार का मैंने बाहर थीम लगाया है, लोगो लगाया, जिस प्रकार की डिटेल दी है, वही डिटेल मैं वीडियो पे देता हूँ, जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं होता कभी भी कि थीम कुछ और की लगा रखी है और अंदर आपको मटेरियल कोई और मिले। बाहर लिखा था कि SBI पोर्टल की पूरी जानकारी, तो वही आपको यहाँ पर दी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।